मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे और एक नए कमाल के वीडियो में। अभी मैं हूँ ठीक हावड़ा स्टेशन के बाहर में और आज हम जर्नी करने वाले ट्रेन नंबर 12277 शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना हावड़ा से लेके पूरी के बीच में चलती है। ट्रेन हर दिन दोपहर के 2:15 से यहाँ से डिपार्ट करती है और सेम डे रात के 10 को पूरी पहुँचाती है अपने 6 हॉल्ट के साथ। ट्रेन में वैसे तो कोई स्लीपर क्लास नहीं है, इसमें बस एसी चेयर कार है और एक एसी एग्जीक्यूटिव कोच है। और आज मैं जर्नी करने वाला हूँ एसी चेयर कार में। क्या फेयर रहने वाला है, खाना वगैरह मिलता है कि नहीं, सब कुछ आगे चल के वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहिए और अभी मैं जाता हूँ स्टेशन के अंदर में, तब तक आप लोग वीडियो को तेजी से लाइक कर दीजिए। भाई ये है हावड़ा मेट्रो का ग्रीन लाइन, कईयों को भाई ये बहुत काम आता है, ये बन के अच्छा किया एकदम। और अभी तो कितने दुकान वगैरह भी खुल गए हैं भाई, पूरा एकदम 100% वॉकिंग हो गया है। अपना जो ट्रेन है ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे बारिश तो घमासान हो चुका है ऑलरेडी। ट्रेन तो 18 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अपना जो कोच है C8 है, चलो ढूंढते हैं। ये C2 है, आगे C8 है। और एक बार उधर देख लो भाई, बारिश किस लेवल का हो रहा है। बारिश के कारण पूरा हालत खराब हो चुका है, पूरा पानी पानी हो चुका है, एकदम गंदा हो गया है सब कुछ। एंटर करते हैं ट्रेन में। ट्रेन में एंटर करते ही सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक सीट दिख जाता है और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वॉश बेसिन नहीं है, पर इस तरफ मुझे दिख रहा है फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह है वेस्टर्न और इंडियन, और यहाँ पे दिख रहा है CCTV लगा हुआ है और ये भी एक CCTV है और ऊपर LED लाइट है। ये इनका टॉयलेट, कुछ ऐसा हालत है। ओके गाइस, अभी मैं इस ट्रेन के वॉशरूम पे आ चुका हूँ। ठीक सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे LED लाइट, यहाँ पे एक बड़ा सा बेसिन मिल जाता है, इसमें नल में पानी आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सॉकेट, यहाँ पे हैंड वॉश मिल जाता है, यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है जो कि क्लोज्ड है, यहाँ पे रूम फ्रेशनर, ये सही लगा मुझे, यहाँ पे जेट स्प्रे फ्लश, यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल, और यहाँ पे नीचे एक नल है और मग है। अब पूरा नीचे तो मैं नहीं दिखा सकता, बट ठीक ठाक सही है वॉशरूम, क्लीन बोलूंगा। अपना सीट नंबर है 50, यही अपना सीट नंबर 50, मस्त विंडो सीट है। यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट होने से पहले क्लीनिंग चल रहा है। बीच में कुछ ऐसा सीट है, आप फेस टू फेस बैठ सकते हो। सच बताऊँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था शताब्दी का हालत इतना खस्ता होके रखा है, मतलब पूरा एकदम ट्रेन खराब हो गया है, बहुत ही गंदा लग रहा है मुझे, और बारिश के कारण तो और भी हालत खराब है। फिलहाल ये देख लो, यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, अभी अंदर मैं जा नहीं रहा हूँ, काफी भीड़ भाड़ होके रखा है। अभी थोड़ा कोच फिर भी साफ सफाई करके गया है, जो पानी था वो पोंछ दिया है। ट्रेन जो है अपना ठीक 3 मिनट बाद डिपार्ट कर रहा है अपने स्टेशन से, 3 मिनट डिले है। ठीक पैर के सामने आप लोग को फुटरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है बॉटल होल्डर, ये खाना खाने के लिए ट्रे, और ये लॉक जो है ना ये टूटा हुआ है। मेंटेनेंस तो इस ट्रेन का एकदम जीरो है, ऊपर है चार्जिंग सॉकेट, चार्ज चल रहा है, और यहाँ पे रीडिंग लैंप जो जल नहीं रहा है। यहाँ पे पूरे ट्रेन में LED लगा हुआ है और विंडो भी ओवरऑल पूरा क्लीन ही है, ठीक ठाक सही है ओवरऑल मैं बोलूँगा। और एक चीज़, यहाँ पे ऊपर में सन ब्लाइंड दिया गया है, ये काफ़ी सही है। फिलहाल आ चुका है अपने पास ये पानी का बॉटल, पहले 1 लीटर का बॉटल देते थे, अभी ये 500 ml का बॉटल देने लगे है IRCTC। अभी यहाँ पे पेपर भी देखे गया है और मैंने ये चिप्स और भुजिया लिया है 20 ईच। बाहर बारिश तो अलग लेवल का चल रहा है, मतलब बहुत तेज बारिश हो रहा है। ट्रेन का एक बार स्पीड देख लो, ऑलमोस्ट 120 पे चल रहा है। अभी चाय कॉफी के लिए पूछने के लिए आया था, मैंने तो लिया नहीं, अभी पीने का मन नहीं है। और डिनर का भी ऑर्डर लेने आया था, बोला रात को 7 देगा, उसमें वेज और नॉन वेज ऑप्शन है। नॉन वेज में चिकन राइस पराठा ये सब रहेगा और वेज में पनीर वगैरह ये सब रहेगा, आने पे दिखाते हैं, मैंने नॉन वेज लिया है वैसे। ट्रेन का हालत सच में काफी ज्यादा खराब है, इस लाइट से भी ना नीचे पानी टपक रहा है लिटरली, इस पॉइंट पे थोड़ी देर बाद ही पानी गिर रहा है। ये है रैमको सीमेंट का फैक्ट्री, यही बच्चा है गाइस जो वॉशरूम जाके दरवाजा नहीं बंद किया। एक प्रीमियम ट्रेन होने के बाद भी ट्रेन का ये हालत है, सोचो, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था शताब्दी का ये हालत है।
यहाँ देखे गए एक स्नैक्स प्लेटर, सबको एक बार मैं निकाल लेता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पे एक मिक्सचर का पैकेट, यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी, ये सैंडविच, और यहाँ है चाय वगैरह के सामग्री, माउथ फ्रेशनर, ये एक पीनट चक्की, टोमेटो केचप और ये नैपकिन। सबसे पहले मैंने ट्राई किया ये कचौड़ी को, ये गर्मा गर्म तो था ही, अंदर एकदम मसाले से भरपूर था, काफ़ी सही था। फिर मैंने ट्राई किया सैंडविच को, ये भी बढ़िया लग रहा था, अंदर में स्पाइसी मेयो और चीज़ डाला गया था। यहाँ पे है गर्म पानी जो चाय के लिए दिया गया था, और स्नैक्स को मैं इंजॉय करूंगा इस नज़ारे के साथ। अभी जो ट्रेन है खड़गपुर स्टेशन पे आके रुका हुआ है, बस 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, अभी बैठा हूँ, इस बार उतरा नहीं हूँ। अभी 4:04 पे यहाँ पे खड़गपुर से ट्रेन निकल चुका है। अभी खड़गपुर से जो लोग उठे हैं ना, उनके लिए अभी भैया ये ब्रेड सारे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बाद में इसका सैंडविच वगैरह बनेगा। अभी देख लो 5:35 हो रहा है और अभी हम लोग बालेश्वर स्टेशन आए हैं। 5:20 को बालेश्वर पहुंचाने का टाइम था, बट ऑलमोस्ट 15 मिनट डिले हम लोग बालेश्वर पहुंचे हैं। वैसे बस 2 ही मिनट का हॉल्ट है, अब जाके कोई स्टेशन पे उतरा हूँ। कुछ देर पहले तो मैं थोड़ा सो गया था भाई, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, रिक्लाइनर सीट से एकदम गद्दे वाले, तो कंफर्ट वाइज काफ़ी सही है। और यहाँ पैंट्री का जो सारा सामान है ना वो अनलोड हो रहा है, जो सुबह को स्नैक्स दिया था वो खाली कर रहे हैं अभी यहाँ पे और वहाँ पे। चलो गाड़ी बालेश्वर स्टेशन से खुल चुका है। सेम रूट पे चलता है, बस उसका टाइमिंग अलग है, दोनों का फेयर में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कभी कभी सेम रहता है, कभी कभी 100 रुपए का डिफरेंस रहता है फेयर, हालांकि डायनेमिक है, पर वंदे भारत का सर्विस और क्लीनलीनेस वो ज्यादा सही रहेगा मुझे लगता है कंपेयर टू ये शताब्दी। ये जो पीनट चक्की दिया था स्नैक्स में, इसको अभी ट्राई करेंगे, भूख लग रहा है थोड़ा, इसको खाते अभी। मीठा मीठा सा है, अच्छा लग रहा है खाने में। थोड़ा दूसरे कोच में आ गया हूँ टहलने के लिए, अपना ट्रेन तो वैसे 10-15 मिनट डिले चल रहा है, देखते हैं पूरी कब पहुंचाता है। फिलहाल आगे भद्रक रेलवे स्टेशन में, यहाँ पे 6:23 को पहुँचाने का टाइम था ट्रेन का, बट 6:10 को ही स्टेशन में घुसा दिया है। जो 10-15 मिनट का डिले चल रहा था ना वो रिकवर कर गया है, ऐसा भगाया है, पूरे स्टेशन का लाइट ही चला गया अभी भद्रक पे, वापस आ गया। अभी देख लो अभी 6:15 बज रहा है, अभी ट्रेन खुलते ही अपने सीट पे चलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए डिनर ही मिस हो जाए। एक चीज़ काफ़ी सही हो गया है, जब लोकोमोटिव चेंज हो गया है ना, अपना कोच एकदम फर्स्ट में आ चुका है, C8। अभी जो अपना ट्रेन
वाला है, उसके बाद आएगा कटक भुवनेश्वर, फिर आखिर में पूरी। जजपुर स्टेशन पे खड़े हैं और ठीक 7 बजे अपना लंच आ चुका है। अपना लंच मैंने खोल लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मिल जाता है एक राइस जिसमें पीस दिया गया है, ये है चिकन, टोटल 3 पीस चिकन है, ग्रेवी गाढ़ा ही लग रहा है। ये अपने पास है दाल, दाल भी ठीक ठाक सही है, यहाँ पे जीरा वगैरह सब कुछ है और यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह है और यहाँ पे दही, यहाँ पे 2 पराठे, ये सॉल्ट, ये चम्मच और नैपकिन। अभी आ चुके हैं कटक रेलवे स्टेशन में। ट्रेन का यहाँ पे पहुँचाने का टाइम था 7:45 को, पर ट्रेन यहाँ पे 13 मिनट डीले आई है। अभी भी ट्रेन डीले चल रहा है, बीच में इतना जोर खींचा था, टाइम रिकवर हो गया था, बट वापस डीले हो गया है। चलो अभी मैं आप लोगों को खाने का रिव्यू दे देता हूँ। खाना तो मेरा कटक जंक्शन में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन वहाँ बैठ के मैंने आप लोगों को रिव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास में कुछ एजेड लोग बैठे थे, उन्हें मुझे नहीं डिस्टर्ब करना था। लेकिन मैंने कंपार्टमेंट में 2-3 बच्चे थे, उन्होंने फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा था कि मैं जब भी वीडियो करूँ उन लोग को रोना ही है, सुबह से लेके रो रहे हैं यार। इसलिए अभी आप लोग को रिव्यू देता हूँ। खाना मुझे इन लोग का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, जो राइस था उसकी पीस था और बहुत ही अच्छे से कुक किया गया था, राइस एकदम भी गला नहीं था, चिकन का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एकदम फ्रेश था, सॉफ्ट था और जो करी बनाया था ना उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठीक था। दाल भी काफ़ी ज़्यादा था, इन लोग का एकदम गाढ़ा दाल था, अच्छे से जीरा वगैरह डाल के प्रिपेयर किया गया था, पर जो सब्जी था ना आलू गाजर वो काफ़ी फीका फीका सा था, वो मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा, जो सच बात है वही बोलूँगा। और दही दिया था ना, प्लेन दही था, अच्छा लग रहा था खाने में, और उसके साथ सॉल्ट वगैरह तो दिया था और आखिर में आइसक्रीम भी दिया था मैंगो फ्लेवर, वो मैंने नहीं लिया, अभी मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ। बाकी देखो ट्रेन का भी कुछ देर बाद बाद साफ सफाई चल रहा है, लेकिन जो लोग है ना वो भी काफ़ी गंदा कर रहे हैं, इधर उधर सामान वगैरह फेंक रहे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे ना करो, जो लोग साफ कर रहे हैं उन लोगों को भी तकलीफ पहुँचता है, बार बार साफ सफाई करना पड़ता है और ट्रेन भी ऐसे गंदा रहता है तो खुद को ही तकलीफ पहुँचता है, फिर खुद ही बोलोगे कि ट्रेन गंदा है। अभी मैं हूँ भुवनेश्वर स्टेशन पे, यहाँ पे ट्रेन का पहुँचाने का टाइम था 8:13 पे, पर ट्रेन यहाँ पे पहुँचा है 8:25 पे, पूरे 12 मिनट डिले। अभी बस और 2 घंटे में पूरी आ जाएगा। अभी एक काम करता हूँ, काफ़ी टायर्ड लग रहा है, अपनी सीट पे चलते हैं, थोड़ा सा एक पावर नैप लेते हैं, फिर डायरेक्टली पूरी भी आप लोग को मिलते हैं। अभी रात भी हो गया है, बाहर दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, खाना वगैरह भी कंप्लीट है, एक बार में पूरी पहुंच के मिलते हैं। अभी अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ, आसपास भी कोई नहीं है, आराम से थोड़ा सोते हैं। ये आ गया खुर्दा रोड जंक्शन, बस और 1 घंटे में हम लोग पूरी में होंगे। और देखते ही देखते हम लोग फाइनली ठीक 9:30 बिफोर टाइम पूरी पहुंच चुके हैं। भाई साहब, भाई ये तो गजब हो गया, ट्रेन आधा घंटा पहले 9:30 पूरी पहुंचा दिया, 10 बजे पहुंचाने का टाइम था, जितना भी डिले किया था सब कुछ रिकवर कर लिया, इतना स्पीड पकड़ा था। The next day. Good morning सबको, welcome to another day. कल रात को वीडियो इसलिए एंड नहीं किया क्योंकि मुझे इस व्यू के साथ वीडियो एंड करना था, आफ्टर ऑल पूरी आया हूँ ये तो बनता ही है, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वैसे ओवरऑल जर्नी एकदम ठीक ठाक सा ही था, कोई भी दिक्कत नहीं आया, ट्रेन भी ज़्यादा लेट नहीं किया, खाना भी सही था। अब बता देता हूँ आपको मेरे सीट के लिए मैंने कितना पे किया, जो AC चेयर का था ना उसके लिए मैंने पे किया 1480 rupees इंक्लूडिंग टैक्स, और जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार होता है ना उसका फेयर था 2130 rupees इंक्लूडिंग टैक्स। तो आपको जो सही लगे वो आप बुक कर सकते हो, वैसे तो मैंने AC चेयर कार बुक किया था, वैसे कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा खाने में हल्का डिफरेंस होता है और सीट थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड रहता है, बस इतना ही है। चलो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आप लोग को क्या अच्छा लगा, और यहाँ पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है वो दबा के बन जाना इस फैमिली का हिस्सा, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे अगले किसी ऐसे वीडियो में, टिल देन एडियोस।